हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन सेज दैट द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट इज, चार ऑप्शन दिया हमने, इनमें से हमें बताना है कौन सा कंपाउंड जो है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है प्रोटोनेट होने के लिए। देखिए, प्रोटोनेट होने का मतलब क्या है कि कोई भी कंपाउंड, पहले तो प्रोटोनेट होने से हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई कंपाउंड कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जैसे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितनी फास्ट यहाँ से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास है डी ऑप्शन, हमारे पास दिया जिसको हम बोलेंगे दैट इज फिनोल। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा OH, यहाँ पे आपके पास जो है वो इस तरह से क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से आपके पास क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कहाँ पे पार्टिसिपेट करें, दीज आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेजोनेंस। तो यहाँ पे आप देखिए, हमारे पास जो है ये किस में पार्टिसिपेट करोगे, रेजोनेंस में। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा लाइक दिस, यहाँ पे आपके पास आएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ से आ जाएगा हाइड्रोजन, इसके ऊपर क्या जाएगा, दैट इज योर पॉजिटिव चार्ज। तो अब इस तरह से और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, इन किसी में भी रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर भी आपके पास जो है वो प्लस आई इफेक्ट है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो दीज इलेक्ट्रॉन कांट बी प्रोटोनेटेड इन एन इजी वे, प्रोटोनेटेड इजली। तो दीज इलेक्ट्रॉन कांट बी प्रोटोनेटेड इजली, इसलिए हमारा आंसर क्या बन जाएगा, दैट इज योर फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या बनेगा, फोर्थ ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।